करते हैं संलग्नता के प्रकार की। संलग्नता दो प्रकार की होती है, नंबर फर्स्ट पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज, और दूसरी होती है अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। बात करते हैं पूर्ण सहलग्नता की। पूर्ण सहलग्नता सूत्रों में जो उपस्थित जीव होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, लेकिन अपूर्ण सहलग्नता में जीव दूर दूर होते हैं। पूर्ण सहलग्नता में जीव बिना किसी संयोजन के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन अपूर्ण सहलग्नता में नए संयोजन प्राप्त होते हैं, यानी कि जीव निर्माण क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें समझात सूत्रों के जोड़े नहीं बनते, यानी कि इसमें समझात सूत्रों के जोड़े बनते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बाद जीव निर्माण नहीं होता, इनके अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीव निर्माण की क्रिया कराई जाती है। तो बात करते हैं पूर्ण सहलग्नता की। पूर्ण सहलग्नता में गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीव होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित जीव समीप स्थित होते हैं, समीप होने के कारण जीव निर्माण की क्रिया नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, प्यास मेटा नहीं बनते। और गुणसूत्र के नए गुणसूत्रीय संयोजन प्राप्त नहीं होते, और जीन पूर्ण रूप से बिना संयोजन के वंशागत हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं पूर्ण सहलग्नता, यानी कि जीवों के मध्य दूरी घटने से जीव विनिमय की क्रिया में कमी आती है, यानी कि जीव विनिमय की जो क्रिया है वो गुणसूत्रों के मध्य की दूरी, यानी गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। दूरी बढ़ने पर जीन विनिमय की क्रिया बढ़ती है और दूरी घटने पर जीन विनिमय की क्रिया कम होती है। क्या बेटा, वो स्थान होते हैं जहां से गुणसूत्री खंड एक दूसरे को काटते हैं और गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान करते हैं, क्या बेटा कहलाते हैं। तो क्या मीटर की संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है, कि गुणसूत्र की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही ज्यादा कार्य घंटा बनाए जाएंगे और जीव निर्माण की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता में समझात गुणसूत्रों तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय
चीन में द्वारा गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होता है। जीन्स के मध्य की दूरी अधिक होती है। नए संयोजन प्राप्त होते हैं। उद्भिद विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नई जातियों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति में सहायक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो अपूर्ण संलग्नता है जीन उड़ने की क्रिया के कारण अत्यधिक प्रभावी होती है, जो कि उद्भिद विकास में नई जातियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। अब बात करते हैं कि जीन उनमें क्या होता है। कि जीन उनमें का मतलब क्या है, कहां से किया जाएगा और क्यों किया जाएगा और इसकी आवश्यकता क्या है और इसके महत्व क्या है, कि ये किस दृष्टि से जीव विज्ञान के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। तो बात करते हैं जीन उनमें। क्रॉसिंग ओवर, देखिए जीन उनमें वह क्रिया है जिसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं और जोड़े बनने के बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीन उनमें की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए ये एक प्रभावी जीन है, जिस पर हमने जीन ले लिया कैपिटल बी कैपिटल बी और इसी के समझात हमने ले लिया अप्रभावी जीन स्मॉल बी और ये अपना स्मॉल बी। तो होता क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर जब जीन उनमें की क्रिया होगी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो रही है और यहाँ पर जिस दूसरे क्रॉस किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं काइनेमेटा।
और दूसरी की लंबाई जितनी अधिक होगी काई बेटा की संख्या उतनी ही अधिक हो जाती है। और अगले जो संयोजन हमको प्राप्त होंगे वो इस प्रकार होंगे, ये प्रभावी आप यहां से ये अपना काला खंड इसके लिए दे देगा और ये अपना काला खंड इसके लिए दे देगा। ये कैपिटल बी यहां से यहां तक, ये स्मॉल बी और यहां से यहां तक ये कैपिटल बी। इसी प्रकार से यहां से यहां तक ये स्मॉल बी और यहां से यहां तक ये कैपिटल बी। तो ये क्रिया कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान गाइस बेटा बनते हैं नॉन सिंगल क्रोमेटिड्स के मध्य दो सूत्री खंडों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि जीन मिलने वह प्रक्रिया है जिसमें संजात सूत्रों के जोड़े बनते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होता है पहली बात। दूसरी चीज जो जीन में है वह गुणसूत्रों की जीन के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। अब हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी कि जीन्स के मध्य की दूरी अधिक होगी तो जीन विनिमय की दर भी अधिक होगी, यदि दूरी कम होगी तो जीन विनिमय की दर भी कम होगी। दूसरी चीज आदान प्रदान होता है और नए गुणसूत्री संयोजन प्राप्त होते हैं। दूसरी बात जीन विनिमय की जो क्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस फर्स्ट की क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की फैकल्टी
और अर्धसूत्री वजन दे युग्मक जनन के दौरान होता है। अतः क्रॉसिंग ओवर युग्मक जनन के समय परिपक्वन प्रावस्था में होता है। तो ये हुई अपनी जीत मिलने की बात। अब बात करते हैं प्याज मिर्चा क्या होते हैं। तो जब जीव विभिन्न क्रिया होती है जिस स्थान से नॉन सेंट्रल क्रोमेटिड एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु क्या बेटा कहलाता है। यानी कि क्या बेटा जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है उस बिंदु को क्या बेटा कहते हैं। तथा क्याल मेटास की संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। नंबर ऑफ प्याज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक प्याज बेटा बनेंगे यानी कि उतनी अधिक क्रॉसिंग ओवर होगा। जैसे मान लीजिए गुणसूत्र की लंबाई इतनी है कैपिटल बी स्मॉल बी तो इनमें एक काइल बीटा बनने की संभावना बनी रहती है क्या बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी और संयोजन प्राप्त होगा आपको हो यहां से यहां का स्मॉल बी और ये कैपिटल बी ये स्मॉल बी और कैपिटल बी सिंगल काइल बेटा बनाया। यदि इनके मध्य की दूरी बढ़ा दी जाए
यानी कि गुरुसूत्र की लंबाई बढ़ा दी जाए। तो क्या बेटा एक से अधिक बन सकते हैं? कैपिटल बी स्मॉल बी एक दो तीन और चार ये सभी हो गए क्या बेटा? जितने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही ज्यादा वेरिएशन संतति के अंदर विविधता का विकास किया जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और ये कैपिटल बी इसी प्रकार से स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी ये अपना स्मॉल। तो कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने से जीव विनिमय की दर बढ़ती है और गुरुसूत्रों के मध्य लंबाई बढ़ने से जीव विनिमय की दर में वृद्धि होती है यानी कि नंबर ऑफ प्राइमेट्स भी बढ़ते हैं।